देखिए ऐसा है कि चूंकि हमारे राय साहब ने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्टर के बारे में बात की और एनके सिंह साहब ने आरएसएस की जो फिलॉसफी है और जो उनके एक्ट्स हैं उसमें जो दुविधा द्वंद्व जो पैदा हुआ है उसको बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की है। आपने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कही है, मैं इसका थोड़ा सा अर्थशास्त्र से इसको जोड़ते हुए बताऊंगा कि हुआ यह है कि नोटबंदी के ठीक बाद से 13 क्वार्टर मिले थे पेंडेमिक आने से पहले। 13 के 13 क्वार्टर्स में भारतीय अर्थव्यवस्था नीचे गई थी, किसी में ऊपर नहीं आई थी। उसके बाद पेंडेमिक आ गया और इन्होंने पेंडेमिक के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये थी कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद इनके पास कोई विजन नहीं था भारतीय अर्थव्यवस्था में वो सब करने का जिसके दावे के साथ ये सत्ता में आए थे, और न इनके पास कोई इतना ब्रॉडर एक्सपीरियंस था, न वैसा नॉलेज पूल था। तो इन्होंने बहुत प्रयोग किए और आप जानते हैं एक के बाद एक इनके आर्थिक सलाहकार कुछ दिन 1-1.5 साल रह के और फिर डांट खा के, बेइज्जत होके और क्रिटिसाइज होके अल्टीमेटली छोड़ छोड़ के सब भाग गए। और अब एक बहुत ही नौजवान आदमी जिसका कोई उतना बड़ा क्रेडेंशियल नहीं है लेकिन वो ढिठाई से कुछ भी बोल देता है, और एक ऐसी वित्त मंत्रणी जिनका भी कोई अतीत नहीं रहा है ऐसा बड़ा, लेकिन बस चूंकि महिला है और दक्षिण भारतीय मिलीजुली हिंदी में नाराज होके कुछ बोलने की कोशिश करती हैं और बोल के चली जाती हैं। समस्या ये हो रही है कि ऐतिहासिक तौर पर आर्थिक तबाही हमारे सामने है। जैसा बताया गया कि 45 करोड़ लोग तो लौट आए हैं घरों पे, अब रोजगार मांग ही नहीं रहे, उन्हें मालूम है रोजगार अब है ही नहीं, उनको उनके सामने पिक्चर क्लियर है, जाहिर है वो खाली। इसके अलावा ये आंकड़े हैं, खुद सरकार द्वारा स्वीकृत आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान में अब तक इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी हमने नहीं देखी। इन्फ्लेशन 15% पे चला गया है, 4.5 के आसपास मनमोहन सिंह साहब छोड़ के गए थे। और सच्चाई यह है कि अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात लें जिसमें बहुत कुछ सच है कि ये सरकार आंकड़ों में भी बहुत घपले करती है, और ये जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा हमारे आपके सामने है अमल में उससे बहुत कहीं ज्यादा ही होना चाहिए उसे। बिल्कुल बिल्कुल आय के जो साधन है मिडिल क्लास और दूसरे लोगों के पास, वो किसानों की आय हो, खुदरा व्यापारी की आय हो, पेंशनर की आय हो, और इस तरह के बहुत सारे एमएसएमई तो पूरा तबाही हो गया है। आप जानते हैं 63-64% लोग कहते हैं कि उसमें सब कोलैप्स कर चुका है, और सरकार के पास इन चीजों को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं है। ये सारे लोग सड़क पर हैं, इनको सड़क पे अपने बाड़े में रखे रहने के लिए जो इनके पास एक बहुत बड़ी मशीनरी है, राज्य इनके स्टेट इन पावर इनके पास होने के नाते, इन्होंने जो नए जमाने की तकनीक है, जो आपका सोशल मीडिया है और मीडिया है, उस पे पूरे कंट्रोल के जरिए जहर इतना भर दिया है और इतना कंटिन्यूअस भरा जा रहा है, इतनी कंटेंट जनरेट हो रही है जहर की, वो जहर की खेती अब इतनी बड़ी हो गई है कि उससे इनको चुनावी सफलताएं तो मिल रही हैं और हो सकता है अभी आगे भी मिले, लेकिन समाज तहस नहस हो जा रहा है। जी और इसमें ऐसे प्रयोग धर्मी लोग बहुत बड़ी तादाद में पैदा हो रहे हैं जिन्हें आप नॉन स्टेट एक्टर कह रहे हैं। कल पटियाला में जो हुआ, वो जो नेता है वो वही उस जिले का नेता है, और उसको जो शीर्ष उनका राज्य का नेतृत्व है उसने आज से 15 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के 20 तारीख को दे दिया था कि ये कुछ शरारत करने वाला है और हम इसके साथ नहीं, और जैसे ही ये सब आया तुरंत शिवसेना ने उसको निकाल भी दिया। उसके साथ 5-7 लोग जो चेहरे आए हैं सब वीडियोज में, वो सब बीजेपी वाले हैं। जी पूरी इस बात की संभावना है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें हो सकता है केंद्रीय एजेंसियों की भी भूमिका हो, और दूसरी तरफ से दूसरे ग्रुप को जो मान वाला ग्रुप है उसको भी लगता है प्री इन्फॉर्म था, वरना उसके पास उतना बड़ा संगठन उस जनपद में नहीं था, लेकिन एकाएक उतने सारे लोग तलवार के साथ इकट्ठे हो गए, तो निश्चित तौर पर ये असामान्य सी अरेंजमेंट है। तो ये हो रहा है कि इस तरह के बहुत सारे लोग तात्कालिक सफलता पाने के लिए, चूंकि उनके पास मॉडल क्या है, मोदी जी के बारे में तुगड़िया ने मुझसे कहा था कि मोदी जी इसलिए आज देश के चहेते हैं क्योंकि उन्होंने दो, यही शब्द बहुत खराब है लेकिन ऐसे ही कहा था उसने एयरपोर्ट पे मुझसे बात करते हुए, कि उन्होंने 2000 मुल्लों को काट दिया है। ये है मास परसेप्शन इनकी सफलता के पीछे का। अमित शाह जी के बारे में तो जाने कितनी इस तरह की विसंगतियां और ऐसी बातें हैं। हमारी योगी जी के बारे में आप जानते ही हैं,
किस लिए उनको सारे राज्यों में और जगह जगह बुलाया जाता है, उनके अपने ऊपर किस तरह के मुकदमे थे जो उन्होंने मुख्यमंत्री होने के बाद, इन लोगों की सफलताएं, ऐसे बहुत सारे फ्रिंज लोगों को जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर कह रहे हैं, राजनीति में सफल होने के लिए उकसा रही है, क्योंकि उनके पास आर्थिक सफलता की कोई मॉडल है नहीं, कोई रास्ता नहीं जिसमें वो सफल हो सके समाज में आर्थिक रास्तों से ढंग से काम करते हुए। वो जो भी संसाधन है छीन लिए गए हैं और वो बहुत ही सीमित हाथों में जा रहे हैं, वो शेयर मार्केट उसका गवाह है। तो नतीजा ये हो रहा है कि ये तादाद बढ़ती ही जानी है, क्योंकि इसके पास रॉ मटेरियल इफरात है। 45 करोड़ लोग जो बताए गए हैं, 45% वो खाली आके बैठे हुए हैं सब काम धाम छोड़ के, उन्हें इस आधार पर संगठित करना बहुत आसान है। उन्होंने भी हाथ पैर मार लिए, कुछ नहीं है तो वो एक पट्टा बांध के और चलते हैं, उसमें पूड़ी मिल रही है, कहीं चाय मिल रही, कहीं वो मिल रहा है, और ये हो रहा है कि हमारा नेता कल को मंत्री बन जाएगा तो हम कुछ कमाएंगे, ठेका हमें मिलेगा। तात्कालिक हित जो है, जो बहुत ही प्रिवेल कर रहे हैं, वो इस ओर इस पूरी पीढ़ी को धकेल रहे हैं। उनके पास शिक्षा भी नहीं है, उन्हें इतिहास, समाज विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय राजनय, बाउंड्री, सबके बारे में झूठ, इतनी कंटेंट भरी जा रही कि सब झूठ से लैस है। और घरों घरों में खाली जो भी बैठा है, जो टेलीविजन के सामने है या जिसके हाथ में फोन है और वो व्हाट्सएप वगैरह से जुड़ा हुआ है, वो सब दिन भर उस राशन से भरे हुए, और दिन भर वो आपस में एक दूसरे के पास यही बढ़ा के और बीमार होते जा रहे हैं। तो एक तो बहुत प्रचंड बेरोजगारी, आर्थिक प्लेटफॉर्म का तहस नहस हो जाना, और इस रास्ते से सफलता की कथित उम्मीद, तो ये चीज अब हाथ में रहने वाली है ही नहीं, और ये चीज अब इतना आगे इनसे निकलती जा रही है, और ऐसे प्रयोग धर्मी इतने लोग हमारे सामने होंगे कि वो निश्चित तौर पर एक सामान्य जनजीवन को तहस नहस करने ही वाले हैं। और एकाएक इस पे ब्रेक लगा लेंगे, इस पे बहुत कम संभावनाएं हैं, लेकिन वो प्रयोग शुरू हो गया है। सबसे बड़े मस्कट योगी जी आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज लागू करते हुए पिछले एक महीने से दिख रहे हैं। अयोध्या में जो हुआ वो तो एक चीज थी, लेकिन उसको पुलिस ने पकड़ा, तुरंत पकड़ा, पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज किया कि ये कौन लोग हैं, ये दूसरी चीज थी। अयोध्या में हुआ ये, मेरठ में एक घटना हुई, एक थानेदार को, हाशिमपुरा राय साहब बहुत परिचित हैं, हम लोगों ने भी फॉलो किया, हमारे यहाँ बहुत उसकी खबर हुई। हाशिमपुरा घनी मुस्लिम आबादी के बीच इसी तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स ने, जिनको वहां के जिला अध्यक्ष का समर्थन प्राप्त था, जबरदस्ती एक जगराता उस दिन रख दिया जिस दिन ईद होगी, चांद रात है जिस दिन, उस जगराता को और फिर थानेदार को वहां बुला भी लिया मुसलमानों को डराने के लिए। लेकिन थानेदार ने एकदम लाइन की बात की, उसने कहा भाई आपके पास परमिशन है, नहीं है तो मैं नहीं होने दूंगा, और उसने रिकॉर्ड कराया और उसने पब्लिक भी कर दिया, और वो उस पद पर अभी बना भी हुआ है, और जगराता की डेट बढ़ानी पड़ गई जी। तो ये चीज सिर्फ अब आरएसएस के लेवल पे नहीं हो रही है, आरएसएस के हाथ में जो कोई है इस समय, आरएसएस के हाथ में कहा जाता है कि उनका समर्थन योगी जी को है, योगी जी उत्तर प्रदेश में एकाएक एक कानून कायदे से चलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं, और उन्होंने अफसरों की मीटिंग वगैरह में क्लियर कर दिया है कि मुझे किसी किस्म की न्यूसेंस नहीं चाहिए, और कहीं भी किसी भी ऐसी जगह कोई भी ऐसा जुलूस निकालना चाहता है जो पहले न निकलता रहा हो, वही कोई अनुमति देने की जरूरत नहीं है, और कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, मैं देख रहा हूं, नहीं होना चाहिए, मुझे दंगा नहीं चाहिए, मुझे शरारत नहीं चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हजारों माइक उतर गए, कोई चूचा नहीं हुई, और इस तरह की छेड़खानियां जहां भी हो रही हैं, पुलिस को हम वहां काम करते पा रहे हैं जी। तो कुछ तो है निश्चित तौर पर इस समस्या से, ये जो समझ है वो ऊपर से नीचे तक हिली हुई है। अब जो गुजरात मॉडल है वो क्या सोच रहा है, वो क्या करेगा, अभी उसको चुनाव लड़ने हैं गुजरात समेत कई जगह, वो देखने की बात होगी। फिलहाल तो वो उसी प्लैंक पर है जिस प्लैंक पे वो अब तक चुनाव लड़ता आया है।